हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आर म्यूजिक एंड रेसिपीज ब्लॉग्स। तो आज की मेरी रेसिपी है चीज़ी कॉर्न कटलेट। क्योंकि भुट्टे का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है, ऊपर से एक क्रिस्पी रहती है और अंदर से एकदम चीज़ी और सॉफ्ट रहती है। और इसको हम बनाएंगे ढेर सारी वेजीज और ढेर सारे चीज़ के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है। एकदम स्मूथ ये हो जाना चाहिए, उतना हमें इसको मैश करना है। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो कॉर्न के अलावा आपको जो वेजेस पसंद है आप इसमें डाल सकते हो, बस टमाटर नहीं डालना है हमें। तो प्याज को मैंने चॉपर की मदद से अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और गाजर डाल लिया मैंने एक इसमें चॉप करके, और शिमला मिर्च एक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। और कॉर्न को एक सीटी में कुकर में गला के मैंने उसका पल्प निकाल के इसमें यूज़ किया है। फिर हम कुछ मसालों के साथ इसको सीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, एक चम्मच मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो के साथ अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर एक चम्मच मैंने नमक इसमें डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर एक हरी मिर्च को बारीक चीर के मैंने इसमें डाला है, और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने डाला है, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अभी मैंने। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये ऊपर से। और फिर 1 कप के हिसाब में मैंने इसमें मैदा डाला है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे। जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे बिल्कुल ये डो के शेप में आ जाना चाहिए। तो देखिए ये तैयार है। अभी हम इसमें डाल देंगे चीज़। चीज़ आप जो पसंद है आपको वो चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके इसमें डाला है। और जितना चीज़ चाहिए वो आप उतना चीज़ इसमें डाल सकते हो। अब इसको भी हम हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे, इसके साथ में इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। ये थोड़ा हाथों को चिपचिपा लगेगा क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला है तो चिपकेगा। देखिए बिल्कुल ये डो के शेप में आ गया है। अभी हमें हाथों को ग्रीस कर लेना है तेल की मदद से, ताकि ये चिपके नहीं और अच्छे से शेप में इसको हम ला सके। तो मैंने दोनों हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है तेल से, और शेप में आपको जैसा आपको शेप चाहिए वैसा आप बना सकते हो। मैंने राउंड बनाया है और इसको हम एक प्लेट में इस तरह रखते जाएंगे। सारे कटलेट मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि जो चीज़ मेल्ट हो चुका है वो अच्छे से सेट हो जाए, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं। तो अभी हम इसका घोल तैयार कर लेंगे, एक स्लरी तैयार कर लेना है। तो 1 कप मैंने मैदा डाला है और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे ऑरिगैनो, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे थोड़ा सा। नमक आप अपने हिसाब से डालें। फिर इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हम इसको मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। तो मैंने करीबन 2 कटोरी पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ना ज़्यादा थिक रखनी है ना ही ज़्यादा पतली। तो देखिए इस तरह चम्मच को ये कोट कर रहा है, बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अभी हमारी स्लरी तैयार है और मैंने ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए। तो नॉर्मल ब्रेड को ग्राइंडर में दर-दर ऐसा पीस के हमें तैयार कर लेना है घर पर ही। और अभी हम इसको स्लरी में डिप करेंगे।
इस मैदे के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। और आपको अगर स्टोर करना है तो इस तरह आप ब्रेड क्रम से कोट करने के बाद इसको आप डीप फ्रीजर में रख दें एक प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर, और जब आपका मन करे आप उसको फ्राई करके सर्व कर सकते हो। अभी मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और फिर लो कर दिया फ्लेम को। हाई फ्लेम पे हमें नहीं इसको फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार जैसे तेल गरम हो जाए फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करना। तो हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। फिर हमें इसको सर्व करना है गर्मा गर्म। तो मैंने इसको सर्व किया है सॉस के साथ, आप चटनी मिंट चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी है ये और अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी बन के तैयार हुए हैं। तो बस यही थी मेरी रेसिपी, मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय।